स्वीट पैथी ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथी के इस एपिसोड में दर्शकों आपका बहुत स्वागत है। यूं तो ट्रीटमेंट के लिए बहुत सी पैथीज हैं, लेकिन एक नायाब और यूनिक पैथी है होम्योपैथी। तो आइए होम्योपैथी के बारे में जानते हैं कुछ यूनिक बातें डॉक्टर श्रेयांश पारक से। डॉक्टर श्रेयांश, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर श्रेयांश, हमने क्रॉनिक डिजीज के बारे में बहुत सुना है, तो ये क्रॉनिक डिजीज होती क्या है और इनकी मियादी बीमारियां कैसे ठीक की जाती हैं? ओके, तो जो बीमारियां होती है डिसीजेज है ना, डिस और ईज, डिस यानी और ईज यानी दो शब्दों का मिलाकर डिसीज बना है ना। जब कोई अच्छी चीज़ चल रही है और अचानक उसमें ब्रेक लग जाए तो वो डिसीज है। तो बीमारियाँ एक्चुअली दो प्रकार की होती है, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट यानी जो अभी अभी ताज़ा हुई है, एक या दो दिन से, चार दिन से जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, कुछ चोट लग गई तो उसके कारण पाँव में, हाथ में मोच आ गई, दर्द हो गया है ना। तो ये अगर कुछ ताज़ा बीमारियाँ हैं तो वो होती है एक्यूट डिसीजेस। और ऐसी बीमारियाँ जो लंबे समय से चली आ रही है, और या हम ये कह सकते हैं कि असाध्य रोग जिनके हमें उपचार नहीं मिल रहे हैं, ऐसी बीमारियाँ जिसमें कि पेशेंट सभी जगह होकर आ गया, एलोपैथी में होके आ गया, आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट करवा के आ गया, पर उसे कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, उसे अच्छा उपचार नहीं मिल रहा है, तो ऐसे सारे रोग वो होते हैं क्रॉनिक डिसीजेस। उसके अंदर बीमारी का उपचार तो मिल रहा है उनको दूसरी पद्धति में, पर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, उसे बार बार वही समस्या पकड़ रही है। जैसे एलर्जी हो गई, जैसे स्किन की कुछ बीमारियाँ हो गई, सोरियासिस, ट्यूब लगाया दो तीन महीने ठीक रहा फिर हो गया, फिर ट्यूब लगाया दो तीन महीने ठीक रहा फिर हो गया, तो ये सारी बीमारियां जो होती है क्रॉनिक डिसीजेज होती है, जो लंबे समय से चली आ रही है, पुरानी बीमारियां हैं और उसका उपचार नहीं है। तो होम्योपैथी में इन सारे रोगों का उपचार बहुत अच्छा है। सोरियासिस जो कहीं ठीक नहीं हो रहा है, उसे हम परमानेंट सॉल्यूशन दे सकते हैं, परमानेंटली वो ठीक हो सकता है। एलर्जी की बीमारियाँ, जैसे किडनी की बीमारी हो गई कुछ, किडनी ऐसा होता है क्रॉनिक किडनी फेलियर होता है, CKD है ना, उसमें क्या होता है बार बार डायलिसिस करवाना पड़ता है पेशेंट को, हफ्ते हफ्ते में एक बार दो बार उसे जाना पड़ता है हॉस्पिटल, डायलिसिस करवाना पड़ता है, क्योंकि किडनी का जो फंक्शन है वो कम हो चुका है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम बहुत अच्छा उपचार दे सकते हैं। बार बार किसी पेशेंट को टाइफाइड हो रहा है ना, हर 6 महीने में उसको टाइफाइड है, किसी पर्टिकुलर सीजन में उसको बीमारी हो रही है, तो ये क्रॉनिक डिसीजेस कहलाती है, इसमें होम्योपैथी का बहुत अच्छा काम है। तो ऐसी जो क्रॉनिक डिसीजेस होती हैं जो कि बार बार एलोपैथिक आयुर्वेदिक में कराने के बाद फिर से हो जाती हैं, तो होम्योपैथिक में से परमानेंटली ठीक होने में कितना समय लगता है? ऐसे जो बीमारियाँ हैं, एक्चुअली ये वेरी करता है बीमारी टू बीमारी है ना, डिसीज टू डिसीज वेरी करता है कि क्या बीमारी है उसको। स्किन की बीमारी है ना, जैसे मैंने बताया किडनी की बीमारी तो नहीं है, या लिवर की बीमारी तो नहीं है। कई पेशेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो हेपेटाइटिस से ग्रसित है, और उनका भी जो हेपेटाइटिस का जो वैल्यूज़ रहता है वो नॉर्मल आ जाता है, लिवर के जो फंक्शंस होते हैं SGPT SGOT वो वैल्यूज़ नॉर्मल आ जाती है। तो बीमारी तो बीमारी ये वेरी करता है, और पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी क्या है, यानी उसकी जो क्षमता क्या है, इम्यून पावर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कितना टाइम लगेगा। पर क्योंकि क्रॉनिक डिसीज़ है और ये वेरी करता है, पेशेंट कई जगह पर होके आ जाता है हमारे पास, सब जगह उसकी बीमारी जो है गहरी जड़ बना लेती है, एक
उसके बाद वो होम्योपैथी में आता है। इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमें रूट्स तक जाके उसको क्लियर करना है। जब तक हम रूट से क्लियर नहीं करेंगे, उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा क्रॉनिक डिसीजेज में टाइम लगता है, पर आजकल कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं होम्योपैथी में, कुछ ऐसी नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, है ना। हमारी मेडिसिन जो है तो नैनो टेक्नोलॉजी पर वर्क करने लग गई है। अणु और परमाणु की शक्ति हमारी मेडिसिन्स में होती है, मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके ये वर्क करती है। तो आजकल कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी आ गई है जिनके इफ़ेक्ट काफ़ी फास्ट होते हैं, जिनको हम एलएम पोटेंसीज भी बोलते हैं, है ना। उसके कारण मेडिसिन्स अपना इफ़ेक्ट जल्दी दिखाती है, पर क्योंकि क्रॉनिक डिसीज़ है तो टाइम तो उसमें लगता है।